हाय एवरीवन, आज यहाँ पर रीडिंग होने वाली है गाइस की। कार्ड का ही प्रश्न रहेगा और कार्ड का ही उत्तर रहेगा। यहाँ पे आपको केवल वीडियो देखना है और इसमें इस कार्ड के द्वारा, ये ओरिकल कार्ड्स हैं गाइस। यहाँ पर एंजल का कार्ड है और स्टोन का कार्ड है ये। तो ये क्वेश्चन खुद कार्ड का ही रहेगा, आंसर भी कार्ड का रहेगा। तो जो आपके नसीब में क्वेश्चन लिखा रहेगा वो निकलेगा, या फिर जो आपके क्वेश्चन का आंसर रहेगा वही निकलेगा। यहाँ पे दो क्वेश्चन और दो आंसर लेंगे गाइस। देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है, कि कार्ड आपसे क्या कहना चाहता है, किसके बारे में कहना चाहता है। यहाँ पे दिया गया है गाइस, एंजल ऑफ द डिवाइन फेमिनाइन, यानी कहने का मतलब ये है कि जो दुर्गा शक्ति होती है, यानी जो फीमेल शक्ति होती है, जो आदि शक्ति होती है, वो आपको बहुत सही राह दिखा रही है, आपके लाइफ के लिए सही पाथ बता रही है फेमिनाइन शक्ति। यहाँ पर एंजल कह रही हैं कि आपके लाइफ में कोई ऐसी दैवी शक्ति है या कोई ऐसी लेडी है जो आपको हमेशा ही सही रास्ता दिखा रही हैं, सही रास्ता बता रही हैं, आपको अंदर से जागरूक कर रही हैं, आपको पॉजिटिव बना रही हैं, आपको सही रास्ता बताने की कोशिश करके और आपके फीलिंग को समझकर आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ पे दिया गया है गाइस, आर यू इन ट्रू विद द फेसेस ऑफ द मून, यानी जो चंद्रमा होता है, जो मून होता है, उसके अलग अलग फेसेस क्या होते हैं। यहाँ पर बताया गया है गाइस कि चंद्रमा जो होता है गाइस, वो आपके मन का कारक होता है, आपके हृदय का कारक होता है। यानी अगर आपका मून जो अगर अच्छा रहेगा, अच्छी स्थिति में रहेगा, चंद्रमा आपका पॉजिटिव रहेगा, तो आप बहुत ही प्रखर बुद्धि के, प्रखर व्यक्तित्व के पर्सन बनेंगे। यानी आपका अगर मन कंट्रोल में है, आपका जो चंद्रमा मजबूत है गाइस, तो आप बहुत बहुत ज़्यादा आगे निकलेंगे, सक्सेस होंगे, वो भी क्रिएटिव फील्ड में। यानी मून जो होता है क्रिएटिव फील्ड में आपको बहुत आगे ले जाने की कोशिश करता है, और आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी आपकी अंदर की इच्छाएं हैं, जितनी भी आपके अंदर की स्ट्रांग चीजें हैं, उसको बाहर लाने की कोशिश करता है। यानी अगर एक कहावत है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है, आप मन से मजबूत हैं गाइस, तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता है। अगर आप एक मून स्टोन पहनते हैं गाइस अपने लिए, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए लकी रहेगा। अगर मान लीजिए मून स्टोन नहीं मिलता है, तो आप एक वाइट क्लोथ अपने पास हमेशा रखेंगे, तो पॉजिटिव चीजें आपके लाइफ में होती रहेंगी। देखते हैं सेकंड कार्ड क्या आपके लिए कह रहा है। यहाँ पे दिया है एंजल ऑफ इंटीग्रिटीश। देखते हैं सेकंड कार्ड आपके लिए क्या आया है, एंजल ऑफ इंटेलिजेंस, यानी एंजल ऑफ इंटेलिजेंस ये आपको बोलना चाह रहे हैं कि आपके अंदर जो नॉलेज है, जो इंटेलिजेंट है, जो ज्ञान है, जो आपके अंदर ज्ञान की प्रतिभा है, जो आपके अंदर कूट कूट कर जो विद्या भरी हुई है, सीखने की कला भरी हुई है, जो आपकी थिंकिंग है, जो आपकी नॉलेज है, उसको रियलाइज करो, उसको महसूस करने की कोशिश करो, उसको और भी अधिक ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करो। ऑलवेज डिस्कवर न्यू इन्फॉर्मेशन, कुछ नया खोज करो, नया इन्वेंशन करो, नई चीजें करो, नई खोज करो, नई अन्वेषण करो, रियलाइज करो कि आपके पास ढेर सारा विजडम है, ज्ञान है, नॉलेज है, इंटेलिजेंट है, यानी आप एक बहुत बुद्धिमत्ता पूर्ण इंसान है गाइस। आप बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, ज्ञानी पर्सन है। तो यहाँ पे एंजल बोल रही है कि उस ज्ञान को, उस बुद्धिमत्ता को बढ़ाने की कोशिश करो, यहाँ पे बहुत आगे उसको रियलाइज करो, उसको अर्जित करो, उसको बढ़ाने की कोशिश करोगे तो तुम एक बहुत बड़े इंसान बनोगे, बहुत
बोलते हैं आपके इंटेलिजेंटता की जो चर्चे हैं, बहुत आगे बढ़ेंगे आप, बहुत बड़े पद पर भी जाएंगे गाइज आप, ऐसा एंजल बोल रही हैं आपको। यहाँ पे कार्ड का क्वेश्चन हैव यू बीन अनेबल टू फेमस ऑन द कॉम्प्लेक्स टैक्स, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स है या कोई भी ऐसी खराब चीजें हैं गाइज, मतलब आप खराब सोचते हैं, कॉम्प्लेक्स है अंदर कोई भी ऐसी हीन भावना को बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स मतलब कोई भी ऐसी आपके अंदर निराशा है, दुख है, या कुछ आपके अंदर कॉम्प्लेक्स है, हीनता है, यानी किसी किसी को देखिए लगता है कॉन्फिडेंस की कमी होती है, किसी किसी में फियर होता है, ऊंचाई से फियर होता है, ये सब क्या है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आपका विकास रुकता है गाइज। यही इसका क्वेश्चन है कि क्या आपके पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है, कोई ऐसा डर है, कोई ऐसा फियर है, तो उसको निकाल फेंकिए। यहाँ पर बोला जा रहा है आप इंटेलिजेंट हैं, आप बुद्धिमान हैं, तो अपनी बुद्धि से सोचिए, समझिए और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, और अपने अंदर बोलते हैं ना इनकरेज करो अपने आप को, यानी अपने आप को डेवलप करो, अपने को विकसित करो, आप आपके जो इनर जीनियस यानी अपने इनर वॉइस की आवाज सुनोगे, अपने इनर आवाज को आगे बढ़ाओगे, उसकी वॉइस को सुनोगे, तो आप बहुत बहुत ज्यादा बेस्ट इंसान बनोगे, और आप बोलते हैं ना एक नॉलेजेबल पर्सन बनोगे, और आप बहुत बुद्धिमान पर्सन बनोगे गाइज। यहाँ पे इस कार्ड में ये लिखा गया है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स है, हीनता है, तो उसको दूर करो और अपने में कॉन्फिडेंस लाओ, और अपने आप को रियलाइज करो, रियलाइज योर सेल्फ, आप अपने को नॉलेजेबल भी बनाओ, अपने को डेवलप करोगे, अपने को लव करोगे, या अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे, तो आप एक वंडर की तरफ जाओगे, एक आश्चर्य की तरफ जाओगे, और एक सुख समृद्धि की तरफ जाओगे। यही आज की रीडिंग थी गाइज, अगर अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू एवरीवन।